थैंक यू थैंक यू वेरी लॉट्स ऑफ थैंक यू टू माई ऑल लवली हैप्पी यूनिवर्स फैमिली. थैंक यू सो मच बींग विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. आई हर्टली वैल्यू लॉट योर टाइम. आई हर्टली वैल्यू लॉट योर ऑल ब्लेसिंग्स दैट यू ऑलवेज शावर ऑन अस एज ए पल ऑफ योर वर्ड्स एंड योर रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. एंड फ्रेंड्स, इफ यू ऑन चैनल वंस अगेन, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ इंट्रोड्यूस विद यू पीपल. आई एम शालिनी. आई एम अ टीचर. Always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So what we are following right now, we are just working on chakras. So before going to the chakras, let's be humble in front of our creator. So please be thankful towards your life. You may belong to any belief system, but just respect yourself. Respect for the existence of yourself, why you are just exist in this world. Every day is a great testament in our life. If we are getting food, we have food, shelter, clothes, then we are the blessed one. So many people are just fighting for food. They are just fighting for clothes. They are just fighting with so many emotional issues. They are just fighting with the mental issues. But we are still healthy, wealthy. So we have a lots of things to thanks towards our Creator. And we heartily thank you, God, for everything. I wish, I pray, God bless you with lots of happiness, joy and prosperity in your life. So friends, let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you, physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health and body, mind, spirit, and today's mind part 7. So let's start. What I'm having something special point for you with related to your clarity of life. तो चलो मैं शुरू कर देती हूँ. आज का क्लैरिटी ऑफ लाइफ का जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आप इंट्यूटिव हो. कौन से इंट्यूजन में जीते हो आप? वो इंट्यूजन जो दिमाग से होती है या वो इंट्यूजन जो आपको स्पिरिट से होती है? आज मैं आपके सारे ही डाउट्स बड़े अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ. ये डाउट्स उसके क्लियर होंगे, ये स्पिरिचुअल पर्सन के लिए अलग से होंगे, बॉडीली पर्सन के लिए अलग से होंगे, और जो माइंडफुल पर्सन है, मन से चलने वाला, उसके लिए अलग से होंगे. तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड आई की, हमारे त्रिनेत्र की, इस चक्र की. आपने तो बहुत से लॉर्ड्स को देखा होगा, एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द गॉड्स एंड लॉर्ड्स हु जस्ट ऑलवेज शावर द ब्लेसिंग्स ऑन अस, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिनकी ज़िंदगी को देखकर हम स्ट्रगल करने से नहीं डर सकते. तो चलो मैं पहले ही बात करती हूँ. आपने लॉर्ड शिवा जी को देखा होगा, वो हमेशा ही जब मेडिटेशन फॉर्म में बैठे होते हैं, स्टेज में होते हैं, तो वो हमेशा ही अपने यहाँ पर ध्यान लगा के बैठते हैं. आपने लॉर्ड गौतम बुद्धा जी को देखा होगा, वो भी मेडिटेटिव फॉर्म में होते हैं. आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हो, आपने मेडिटेशन वर्ड सुना ही है. आपको कहा जाता है यू मे बिलोंग टू हिंदू, मुस्लिम, सिख. आई नेवर बॉदर्स अबाउट दैट. वी जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, बट वी जस्ट फोकस ऑन हाउ टू मेडिटेट. हम जब भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? आपको कहा जाता है कि ध्यान लगाइए, प्रेजेंट मोमेंट में आइए. आपको कहा जाता है जस्ट मेडिटेट ऑन द ब्लड ऑफ गॉड, या जो भी आप कहते हैं. तो मेडिटेट हम कहाँ करते हैं? अपने इस चक्र पे, इस थर्ड आई पे, जिसके ऊपर हम काम करते हैं. आप कुछ भी, कोई भी प्रेयर करते हैं, हम कॉन्शियस लेवल पे कभी अपनी बॉडी की स्टेट को कभी हम फोकस करते हैं, हम देखते हैं हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम ये नहीं देखते. हम कॉन्शियस ही नहीं हैं. जब हम इन कॉन्शियस लेवल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो थर्ड आई तक खुद पहुंच जाएंगे. तो पहले फ्रेंड्स, हमें अपने पांच चक्रों पे काम करना बहुत ज़रूरी है. और इस चक्र पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी, क्योंकि ये चक्र हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जिसको बहुत गुस्सा आता है, ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जिसके सोचने पे कंट्रोल नहीं है, ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जिसके मन में बहुत ज़्यादा लोभ है, ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जिसके मन में दूसरों को आगे देखकर दुख है, ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जिसको दूसरों के दुख को देखकर तरस नहीं आता. अगर ये सब कुछ आप में है तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये चक्र उसका ही एक्टिवेट होगा जो अपने स्पिरिट के साथ कनेक्शन में. और जब हम थर्ड आई पे काम करते हैं, और थर्ड आई का जो ओपन होना और क्लोज होना, क्योंकि ये
जिस तरह हमारा जो दिमाग है वो एक शैतान का, आप कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वैसे ही जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए तो थर्ड आई को क्लोज नहीं कर पाए तो ये आपको ही नुकसान कर सकता है। तो कोई भी चीज़ें हम जब भी करते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी योगा मेडिटेशन के बिना आप ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं हम इनके, मैंने कहा ब्लेसिंग्स तो आती हैं लेकिन ब्लेसिंग्स को संभाल के रखना इट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो वैसे ही हमारा थर्ड आई है और जब भी हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हेडेक होना स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ आप अगर इस चक्र पे काम करते रहना चाहते हैं तो आप इसे एक्टिवेट करना, नहीं तो आप अपने पांच चक्रा पे भी, क्योंकि ये हमारी सिक्स्थ सेंस है, तो आप अपने पांच चक्रों को भी बैलेंस कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपका सिक्स्थ सेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको खुद आपका स्पिरिट जो है वो कॉन्शियस लेवल पे ले आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा थर्ड आई चक्र है ये हमारा सिक्स्थ सेंस है। जब हम हमारे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, इन पांचों चक्रास के ऊपर जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा जो सिक्स सेंस होता है वो होता है थर्ड आई, जहाँ के हमारा स्पिरिट होता है। और ये जो है, ये जो चक्र है, इट्स अ चक्र ऑफ इंट्यूजन पावर। आपकी इंट्यूजन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंट्यूजन पावर कैसे बढ़ती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इंट्यूजन्स दो तरह की होती हैं। हम अलग अलग तरह के लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि बॉडली पर्सन अलग होगा, माइंडफुल पर्सन मतलब मन के थ्रू चलने वाला, और जो सोलफुल पर्सन मतलब स्पिरिट के थ्रू चलने वाला। अब जो पर्सन जो मन से चलेगा और जो पर्सन बॉडी से चलेगा तो वो दिमाग से सोचेगा। अब कुछ इंट्यूजन्स ऐसी होती हैं, मतलब जो इंट्यूजन्स मतलब जो हमें लगता है। अब कई बार अब लोग कहते हैं, एग्जांपल के तौर पर लोग कहते हैं यार वो तो ना बहुत चलाक है, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि वो बहुत चलाक है, उसकी शैतानी तो मैंने पकड़ ली। अब ये दिमाग कह रहा है, ये दिमाग की इंट्यूजन है कि मैं उसको दिमाग से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दूँ। आप दिमाग के तौर पे ऐसा झूठ बोलते हो, आप दिखाते हो कि उसे पता नहीं चल रहा। आपको पता है एक राज की बात, स्पिरिचुअल पर्सन माइंड और दिमाग दोनों की बातों के ऊपर जा पाता है। पता है कैसे? क्योंकि जब हम थर्ड आई पे एक्टिवेशन कर लेते हैं तो हम अपनी स्पिरिट में इंट्यूटिव हो जाते हैं, हमें अपनी स्पिरिट खुद ही गाइड कर देती है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत है। आप एक बिल्कुल ट्रू परसेप्शन करते हैं, ये सबसे बड़ी पावर है जब थर्ड आई हमारा एक्टिवेट होता है। आपसे किसी का झूठ कभी नहीं छुप सकता, आपसे कोई इंसान चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो कोशिश भी करता है और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है और आप ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन हो तो वो इंसान आपके सामने झूठ बोलकर भी फंस जाएगा। ये मैं आपको बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ, क्योंकि जब हम खुद पे काम करते हैं तो हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो फ्रेंड्स, दिमाग की इंट्यूजन, मन की इंट्यूजन और स्पिरिट की इंट्यूजन, ये तीन चक्र हैं हमारे। जो दिमाग है वो हमेशा ही षड्यंत्र रचवाता है, ठीक है। दूसरी बात जो मन है, अब मन भी दो तरह का होता है, मन चंचल है, कई बार मन सच भी कहता है लेकिन कई बार मन ऐसा भी होता है कि मन धोखा भी दे देता है। मन कहता है एक ही मन होता है हमारा, जिसमें हमारे दिल में एक बार प्यार भी आता है, और एक ही ऐसा मन होता है जिसमें हमें इतनी नफरत होती है, मेरा मन करता है कि मैं इसे मार ही दूँ, और मेरा मन कर अच्छा क्या मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्या है। हमारा मन ऑलवेज इन कन्फ्यूजन स्टेट, हमेशा ही मन ये करूँ वो करूँ, दोनों ही दो धारी तलवार में चलने वाला है, ठीक है। अब जो स्पिरिट होगा, अब स्पिरिट दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करता है, मतलब आपका दिमाग, आपका जो मन मतलब जो भटक रहा है कन्फ्यूजन में रह रहा है, तो जो स्पिरिट है उसकी जो इंट्यूजन होगी वो हमेशा ही सही होगी। अब मैंने कहा दिमाग षड्यंत्र रचाता है, मन कहता है अच्छा उसने ऐसे कर दिया होगा कोई बात नहीं, लेकिन स्पिरिट कहेगा। अब आपकी स्पिरिट की इंट्यूजन कैसी होगी, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तो शायद इस वजह से इस पर्सन का जो नेचर है वो ऐसा हो चुका है। स्पिरिट आपको सब कुछ क्लेरिफाई कर देगी उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए जिसके दिल में अगर आपके लिए नफरत भी आती है। स्पिरिट वाला जो पर्सन होगा वो हमेशा ही दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ कर फील कर सकता है। तभी मैंने कहा हम सब सेम एनर्जीज हैं, सेम एनर्जीज हम हैं जब हम स्पिरिट लेवल पे हैं।
आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, क्योंकि इसके पहले हमें अपने पांचों चक्रों पे अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे सिक्स्थ सेंस, मतलब कि ये जब हमारी छठी शक्ति जाग जाती है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा साइकिक इंसाइट में बढ़ जाते हैं। मतलब इसमें हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, हमारा हमारे जितने भी जो फॉल्स बिलीव्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, हम अपने आप में कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, हमारा अपने साथ ही अपना मिलाप हो जाएगा, और ये जितनी भी जब ऊर्जा यहाँ इकट्ठी हो जाएगी तो ये हमारे क्राउन चक्रा पे चली जाएगी। तो उसके लिए आपको इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आप थर्ड आई तक पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कि फ्रेंड्स अगर आप इस थर्ड आई पे काम करते हैं तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया छोड़ दिया, नहीं, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। डेली आप 5 मिनट्स निकालिए मेडिटेशन करने के लिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन अगर आप इसका कोई ऐसे मिसयूज़ करेंगे तो ये आपको भी नुकसान दे सकता है। तो प्लीज़ आप बिना इंस्ट्रक्शंस के इसके ऊपर काम ना करें ऐसे। अगर आप बहुत स्पिरिट में हाई हैं, आपका मन आपका आत्मा बहुत शुद्ध है, आप में सच में ही तड़प है कि मुझे उस हायर सेल्फ को पाना है, तो आप इसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। तो ये स्पिरिट वाला पर्सन भी कर सकता है, माइंड वाला पर्सन मतलब मन के थ्रू चलने वाला इंसान भी काम कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने बॉडी और माइंड पे कंट्रोल करने के लिए अपने स्पिरिट में आना ज़रूरी है। तो फिर देखिए थर्ड आई आपके लिए क्या करने आ रहा है। थर्ड आई आपके लिए पता क्या करेगा, थर्ड आई आपको होने वाली सब प्रेडिक्शंस को पहले ही बता देगा। आपको हर डिफ़िकल्ट चीज़ बहुत इजी लगेगी, आपका कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई होगा, आप एक एक चीज़ में कॉन्शियस रहना स्टार्ट कर दोगे। और जब ये ही चक्र अगर अनब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल पुअर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी बिल्कुल पुअर होगी, आपका फोकस लग ही नहीं सकता किसी काम में। बेशक कोई आपको काम कितना भी पसंद है, आप उस पर भी मन नहीं लगा सकते। आप दूसरों के बारे में बहुत गलत धारणाएं कर लोगे, मतलब इसमें मोस्टली अगर आप कहना चाहो तो इसमें बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, लाइक कि डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, डिल्यूजन मतलब कुछ फॉल्स बिलीव्स, और इल्यूजन्स मतलब रियलिटी प्रिंसिपल के साथ है। मतलब इसमें क्या होगा, अगर कोई पर्सन है, अगर रस्सी पड़ी है तो उसे लगेगा कि वो सांप है, ऐसी तरह की कुछ साइकिक इल्यूजन्स उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक मुद्रा है, और इस मुद्रा का जो नाम है वो है शांभवी मुद्रा। तो मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस बता दूं कि ये जो थर्ड आई है इसको हम कहते हैं हमारी त्रिनेत्र, मतलब कि हमारा एक एनाटॉमिकल वे से बोलूं तो पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे। और अगली बात कह दूँ कि इसको हम पराइटल आई भी कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये हमेशा हमारे रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है, फिश में होती है, फ्रॉग में देखी जाती है, यहाँ पे होती है, उनकी फिर छोटी सी होती है। और फ्रेंड्स ये कलर जो है इसका, इसका कलर है इंडिगो, इंडिगो इसका कलर है। और उससे अगली बात कि जब आप इसको चैंट करते हो जो इसका मंत्र है वो है अम ओम, अधिकतर जो लोग इसको ओम चैंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका जब हम क्राउन चक्रा पे पहुंचते हैं तो तभी हम ओम का जाप करना चाहिए, लेकिन इसका जो वैसे है ऊ को एक ही उसमें हम इसको करते हैं चैंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपको मुद्रा बता रही हूँ, वो है शांभवी मुद्रा। और वो शांभवी मुद्रा मैं आपको कुछ इस तरह से, कोई आपको कोई उसमें वो नहीं है, आप जस्ट स्ट्रेट बैठ रही है, आपको अपनी आईज़ के ऊपर यहाँ पे ध्यान लगाना है, ये हमारे आईब्रोज के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोरहेड में। तो मैं आपको इसकी मुद्रा बता देती हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे ध्यान लगाना, अपनी आईज़ को फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी आईज़ पे हमेशा फोकस करना, अपनी आईज़ को ऐसे रखना है। जब आप इसे करेंगे तो हल्का हल्का आपको मिड में जो है हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको प्लीज़ बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप नहीं भी करते तो आप अपने 5 चक्रों पे काम कर लो, ये भी बहुत बड़े आपके बेनिफिट की बात है।
और फ्रेंड्स इस मुद्रा को कहते हैं महाशांभवी मुद्रा। और ये जो मुद्रा है ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्टैक्ट करती है। आप कुछ भी विजुलाइज करते हो अपनी लाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव, तो वो आपकी लाइफ में उतर जाता है, लेकिन उसके लिए स्पिरिट में होना बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आई विश आई प्रे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस जॉय प्रॉस्पैरिटी लव इन योर लाइफ। प्लीज़ लव योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। चैनल आपकी खुशी का है, आप इसे लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने नीडी वंस के साथ। और अगर आप करेंगे तो अपने आप को बढ़ा रहे, और अगर आप नहीं बढ़ा रहे तो मैं हूँ आपके साथ आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स अपनी प्रेयर्स में ऐड करने के लिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।